हाय गाइस, कैसे आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। मैं पिछले 1 साल से आप लोगों के सामने नहीं आया था। इसका रीज़न है कि मैं जॉब में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, लेकिन अभी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के सामने बराबर आता रहूँगा। हालांकि मैं आप लोगों के सामने आता तो था, बट वॉइस ओवर लेकर मैं पूरी कोशिश करता कि था कि आप लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ, बट जो फेस टू फेस बात करने का मज़ा है ना, उसका अलग ही अंदाज होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आज के बाद हम जब भी मिलेंगे फेस टू फेस बात करेंगे और फेस टू फेस लर्न करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि बैकअप सोल्यूशन क्या होता है, बेस्ट बैकअप सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड थ्री टायर बैकअप सोल्यूशन। थ्री टायर क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सपोज आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क में कोई वायरस अटैक करता है, डेटा थ्रेप्ट होता है, तो उसको हम प्रायर कैसे बचा के रखें? जो भी आपका डेटा होता है, जो भी आपका क्रिटिकल डेटा होता है, आपको थ्री लोकेशन पे उसे रखना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड लोकेशन जो होगी आपकी, एक DR साइट होते हैं, डिजास्टर रिकवरी, कि इन केस आपके फर्स्ट साइट में आग लग जाती है। सपोज आपकी जो फर्स्ट साइट है उसमें आग लग जाती है, किसी कारण से वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो जो आपका जो डेटा है, जो थ्री टायर बैकअप आपने बना रखा है, फर्स्ट लोकेशन, सेकेंड लोकेशन एंड थर्ड लोकेशन, जो DR साइट पे जो डेटा है वहाँ से आप रिकवर करें और नेक्स्ट डे अपने सर्वर को, अपने कंपनी को एज इट इज ओपन कर सकें, दैट इज कॉल्ड थ्री टायर बैकअप। तो हमें इस हिसाब से प्लान करके चलना पड़ेगा, हमेशा इस टाइप से प्लान करके चलना ही पड़ेगा, तभी आपका डेटा सिक्योर हो पाएगा। अदरवाइज कोई भी वायरस आके अटैक करेगा और पूरी कंपनी को ध्वस्त कर देगा, तभी ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको जो भी डेटा है आपका, पहले वीकली आप फुल कंप्लीट बैकअप लें और किसी दूसरी लोकेशन पर रखें। लाइक आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकता है, सैन हो सकता है, नैस हो सकता है, या टेप ड्राइव हो सकता है, आप वहां स्टोर करके रखें। और फिर मंडे, ट्यूसडे, थर्ड, वेडनेसडे, थर्ड डे, जो भी डे पड़ते हैं इसमें आप इंक्रीमेंटल बैकअप लें, राइट? और जो आपने फुल बैकअप लिया है उसको एक DR साइट पे भी रखें, सो दैट कि इन केस आपका जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या जो बैकअप लिया है आपने, सपोज नहीं चलता है, या टेप ड्राइव में लिया है, ये नैस पे रखा है, शैन पे रखा है, तो आप डिजास्टर रिकवरी पे जो भी डेटा रखें वहाँ से रिस्टोर करें, कलेक्ट करें और अपनी कंपनी पूरी एज इट इज नेक्स्ट डे चला सके, दैट इज कॉल्ड थ्री टायर बैकअप। तो आप लोगों को भी अपनी कंपनी में, चाहे किसी छोटी कंपनी में काम करें चाहे बड़ी कंपनी में काम करें, सबसे प्रायोरिटी पे बैकअप होना चाहिए। बैकअप एक कंपनी की बहुत बड़ी धरोहर होती है, बैकअप किसी भी कंपनी की एक बहुत बड़ी धरोहर होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि बैकअप कितना बड़ा रोल प्ले करता है, बैकअप कितना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। आप काम कम कीजिए बट डेटा का बैकअप के लिए फोकस फोकस फोकस, क्योंकि इसके बिना, डेटा के बैकअप के बिना, डेटा की सिक्योरिटी के बिना, यू आर नथिंग। आप सब कुछ कर लीजिए, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंपनी के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन आपके पास अगर डेटा नहीं मिलता है जब कंपनी को की रिक्वायरमेंट हो, तो यू आर नथिंग, आपने कुछ भी नहीं किया। अगर डेटा के सिक्योर नहीं रखा, डेटा सिक्योर करने का प्लान नहीं बनाया, तो आपने कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले आपको डेटा सिक्योर करना है, डेटा सिक्योर तो आपकी कंपनी सिक्योर। इसके बाद
आई होप कि आप लोगों को डेटा की इम्पोर्टेंस पता लगी होगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।